2010 की बात है, रूस की कैपिटल मास्को की तरफ एक प्लेन जा रहा था। तभी अचानक प्लेन की सारी बिजली खत्म हो गई और पायलट के सारे मीटर बंद हो गए। इसके बाद कैसे पायलट ने सिर्फ एक पानी के गिलास की मदद से प्लेन में सवार 81 लोगों की जान बचाई। दरअसल यहां प्लेन की बिजली खत्म होने के बाद पायलट ने बाहर देखना शुरू कर दिया ताकि कोई रोड या रनवे हो तो वो वहां लैंड करा सके। कुछ देरी के बाद उन्हें एक जगह पुराना रनवे दिखा। अब चूंकि प्लेन के सारे सिस्टम बंद हो चुके थे जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था कि प्लेन सीधे उड़ भी रहा है या नहीं। फिर पायलट ने गिलास में भरे पानी को अपने कंट्रोल पैनल पर रखा और उसके वाटर लेवल की मदद से प्लेन को उस रनवे के पास लेकर गए और बड़ी सावधानी से प्लेन को लैंड कराया। लेकिन प्लेन की स्पीड ज्यादा थी और प्लेन रनवे को क्रॉस करके जंगल में घुस गई और कुछ ही दूर जाकर वो रुक गई। खैर, गनीमत ये रही कि प्लेन में मौजूद सभी यात्री और क्रू सुरक्षित थे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें।